हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस ऑनलाइन क्लास। सो दिस फिरदौस, आई एम योर मैथ टीचर। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.6। इन आवर प्रीवियस क्लास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.6 वी हैव सॉल्व देयर क्वेश्चन नंबर 1 to 4। एंड सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, see in question number 5, exercise 3.6. so in question number 5, here you have to solve the pair of linear equation by reducing them to the simplest form. So here xy is equal to 5. So how can you convert this into in this form? So let's 7x by xy minus 7y by xy and is equal to 5. So see, x to x cancel and y to y cancel. So now you have 7 by y minus 7 by x is equal to 5. Okay, so इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी, 1 बाई एक्स इक्वल टू यू लेके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रिड्यूस करना है बच्चों आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15 सो यहाँ पे भी बच्चों सेपरेट कर देना है इसको, 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। जो सेपरेट कर दोगे इसको आप, तो x टू x कैंसिल 8 बाई वाई एंड प्लस y टू y कैंसिल 7 बाई एक्स यू हैव 15। सो हियर ऑल्सो है ना, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो आई होप यू कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा आप लोगों को किस तरह से करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसको कैसे रिड्यूस करना है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें गिवन है ना। आप इस तरह भी बना सकते हो है ना, एलिमिनेट करके आप इसको, जो मैंने एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को सिखाया था तो उस मेथड से आप इसको ईजिली सॉल्व करके बना सकते हो। बट यहाँ पर दे दिया आपको, अगर रिड्यूसेबल, रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन हाउ कैन यू फाइंड। ओके, सो सेम क्वेश्चन, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। तो यहाँ से xy को आप दोनों में लेके आ जाओ, 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई। ओके, क्योंकि यही ना कंबाइन होकर आपका यहाँ चले जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका x टू x कैंसिल, y टू y कैंसिल, तो 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आप लेट कर सकते हो, 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू यू, जैसे मैंने पहले बता रखा आप लोगों को। नेक्स्ट यू हैव दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, 2x बाई एक्स वाई एंड प्लस 4y बाई एक्स वाई एंड इज इक्वल टू 5। So from here also x to x cancel, y to y cancel, so you will get 2 by y plus 4 by x is equal to 5. This is equation number 2. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बचता है 7 and 8, तो यहाँ पे आपको रिड्यूस तो करना ही है, इसको फिर क्या करना है, रिड्यूस करने के बाद ही बाद दोबारा भी सॉल्व करना है। तो मैं जो इसमें से बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो हियर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव, दैट इज 1 बाई 3x प्लस y प्लस 1 बाई 3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4। सो फ्रॉम हियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, दैट इज
माइनस वन बाई एट, सो लेट वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू मान लो, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी। देखो पैटर्न है ना, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई, वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई, वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो अब यहाँ पे पुट करोगे आप तो यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। सो यहाँ से आप क्या करोगे, फोर यू प्लस फोर वी इज इक्वल टू थ्री, ये फोर को आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। नाउ यहाँ से जो आ जाएगा आपका, सो वन बाई टू यू माइनस वन बाई टू वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई एट। अब देखो यहाँ पे कंबाइन टू हो जाएगा, u माइनस वी इक्वल टू माइनस वन बाई एट हो जाएगा, यहाँ से टू वन जा टू फोर जा हो जाएगा। अब जब यहाँ से कॉमन करोगे आप इसको, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फोर यू माइनस फोर वी इज इक्वल टू माइनस वन। सो यहाँ पे देखो बाबू एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे क्या है, फोर यू एंड प्लस फोर वी, तो ये वाला प्लस फोर वी ऑलरेडी है और माइनस फोर भी है, तो ऐड कर दोगे तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना बच्चों, यहाँ से आपको लिखना है एडिंग वन एंड टू, वन इक्वेशन वन और टू को ऐड करके, तो फोर यू प्लस फोर वी इक्वल टू थ्री, फोर यू माइनस फोर वी इक्वल टू माइनस वन। सो जब इसको ऐड कर दोगे आप तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे फोर यू कितना हो जाएगा, एट यू हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू। सो यू इज इक्वल टू टू बाई एट, डेट इज़ वन बाई फोर, सो यू विल हैव डेट इज़ वन बाई फोर, ये आ गया आपका। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका फोर इंटू वन बाई फोर प्लस फोर वी इक्वल टू थ्री, फोर टू फोर कैंसिल, फोर वी इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, वी इज इक्वल टू टू बाई फोर, वन जा टू जा, सो वी यू हैव यू गॉट वन बाई टू, सो यू आ गया, वी आ गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है ना इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन आपका क्या था, वन बाय नाउ वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, सो वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू व्हाट, वन बाय फोर। सो यहाँ पे आप अगर इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, इट इज़ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर थ्री बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है अगेन, एंड क्या है आपका, वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी, सो वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी कितना है आपके पास, वी आपके पास वन बाय टू है। सो यहाँ से आप 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। सो नाउ सी हियर, अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सॉल्विंग दिस एंड दिस इक्वेशन। सो सी हियर, द कोफिशिएंट ऑफ y इज़ वन एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज़ हियर वन, सो वी विल हैव टू चूज द एलिमिनेशन मेथड बेटर देन द अदर टू मेथड्स, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलरेडी हियर यू हैव गिवन द वन कोफिशिएंट एज अ वाई एंड हियर माइनस वन, सो यू हैव टू ऐड इक्वेशन थ्री एंड फोर, एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, सो व्हाट यू विल गेट, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एंड थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। सो दिस इज नाउ ऐड दिस, तो वाई टू वाई कैंसिल, सो थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स सिक्स एक्स एंड हियर सिक्स, सो सिक्स वन जा, सो एक्स इज इक्वल टू वन। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थ्री, दैट इज थ्री इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, सो वाई इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री, तो वाई इक्वल टू वन। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट द आंसर,
सो हाउ कैन यू हैंस एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो देख सकते हैं आप लोग कितना लंबा बन रहा है, ठीक है। तो लंबा है नहीं, बस प्रोसेस है, आपको दो बार सॉल्व करना है इसको इक्वेशन को, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने बताया, तो इसी इस क्वेश्चन में भी या क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका बचता है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम 1, 2, 3, सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। देन थैंक यू।